हेलो फ्रेंड्स, एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये देखेंगे इज व्हाट्सएप सेफ, क्या व्हाट्सएप सेफ है, ये एक मेन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड और भी जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड्स। एंड चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक ये न्यूज़ नहीं मालूम पड़ा तो चलिए मैं आपको पहले डिस्क्राइब करके बता देता हूँ फटाक से। व्हाट्सएप की न्यू टर्म्स एंड पॉलिसी आ चुकी है जो कि 8 फेब को होने वाली है और उसके अंदर और भी बहुत सारे प्राइवेसी क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिसके अंदर नॉट नाउ और डन के लिए ऐसा 2 ऑप्शंस आपको आता है, जैसे कि स्क्रीनशॉट में आ जाएगा जो कि मैं डाल दूंगा। उसके अंदर अगर आपने वो सब चीज़ अगर रीड ना करके अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपने थोड़ी बहुत गलत काम कर दिया है। अगर आपने नॉट नाउ पर सिलेक्ट किया था फ्रेंड्स तो आपने बहुत सही काम किया है। तो उसके अंदर लिखा क्या है एक्चुअल में, जो उसकी टर्म्स एंड पॉलिसी में लिखा क्या है फ्रेंड्स, अभी आप जैसे कि जानते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पर व्हाट्सएप, ये 3 चीज़ एक ही ओनर के पास है। तो उसके अंदर क्या होता है, जितने भी व्हाट्सएप के अंदर अगर आपके व्हाट्सएप के ग्रुप है, वो आपके बिजनेस चलते रहते हैं उसके अंदर, तो वो उसके अंदर क्या है आपसे मांग रहा है परमिशन कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, जितने भी बिजनेस डील्स रहेंगे, वो जितने की जितनी प्राइवेसी जितने भी आपकी रहेगी वही प्राइवेट डिटेल्स आपके जाएंगे व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू, फेसबुक की तरफ जाएगी और उससे आपको उनको और भी बेटर एड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो आपको कस्टमाइज ऐड डाल सकता है डिपेंडिंग अपन आप क्या यूज़ करते हो, कौन सी चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, या आपको अब तक मालूम नहीं था कि आपके इसमें कभी भी आपको प्राइवेसी आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है या आपके जो पर्सनल डेटा से वो हैक हो रहे हैं। आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर एक्चुअल में 2016 से पहले स्टार्ट हो गया था। आपने कभी ऐसा इमेजिन किया फ्रेंड्स कि आपने किसी फ्रेंड के साथ या आपने कभी किसी सर्च बार पे, गूगल सर्च बार में कोई भी चीज़ सिलेक्ट की हो और उसी के नेक्स्ट डे या उसी दिन रात को आपके अपने फेसबुक फीड्स पे या फिर इंस्टाग्राम फीड्स पे वो उसके एड्स आना स्टार्ट हो गए या उस प्रोडक्ट के डिटेल्स आना स्टार्ट हो गए। अगर आपने इसे पहले कभी नोटिस नहीं किया तो नोटिस करना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2016 से स्टार्ट हो गया था पहले से। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक्स हो रही है, चाहे यहाँ ना वहाँ, कहीं ना कहीं तो लीक्स हो ही रही है। तो इसके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इतना सब कुछ ड्रामा क्रिएट करना वैलिड है कि नहीं। अभी आप सोचिए 2016 के बाद से जबकि नेट का इतना सब कुछ होने लगा, एडवांसमेंट आने लगी मोबाइल नेटवर्क्स और बाकी सब चीज़ों के अंदर, तो उस टाइम पे आपके डेटा पहले से लीक हो रहे थे कि आज जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल के थ्रू आपके कुछ ना कुछ तो पर्सनल डेटा जा रहे थे, तभी से जाके फेसबुक को मालूम पड़ रहा है और वो कस्टमाइज एड्स आपको डाल रहा है कि जैसे कि हाँ भाई उसको मालूम पड़ रहा है कि आपने शूज़ के बारे में देखा या टीवी के बारे में देखा, वो आपको रिकमेंडेशन डालने लगता है, अमेजोन के डालने लगता है, फ्लिपकार्ट के डालने लगता है और भी जितने भी स्नैपडील्स वगैरह जो भी चीज़ रहेंगे उसके बारे में डालने लगता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके डेटा कहीं ना कहीं हैक हो रहे हैं। तो इसने अभी खाली एक मीन्स नॉर्मली फॉर्मल के लिए इसने एक मैसेज डाल दिया कि हमने नए अपडेट से ये टर्म्स एंड पॉलिसी चेंजेस किए व्हाट्सएप के अंदर, जिसके अंदर से आपको एक्सेप्ट करना रहता है और एक नॉट नाउ पे क्लिक करना रहता है जो कि 8 फेब तक है। तो इस पे एक रियली वैलिड क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच में सेफ़ है कि नहीं है और कितने हद तक हम इसको मान सकते हैं कि ये सेफ़ है, कि हमारे पर्सनल डेटा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्यों बताओ क्या कि यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस डील्स करते हैं, जो भी बड़े लोग रहते हैं, यूट्यूबर लोग रहते हैं या बिजनेस जिनका ओन रहता है, आप ये नहीं बता सकते कि क्या क्या प्राइवेसी लीक हो रहा है। आपके OTP लीक हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट लीक हो सकते हैं, आपके अभी जो व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप पे के अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, क्या भरोसा कि वो आपकी जो प्राइवेसी लीक्स नहीं हो रही है, चाहे आपके बिजनेस जो कस्टमर्स हो गए या फिर आप खुद बिजनेस ही कर रहे हो उनके रिलेटेड कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो आपको वो सब चीज़ों के लिए बहुत ही सेफ होना पड़ेगा और ये कुछ हम बोल नहीं सकते फ्रेंड्स, यही एंड हो सकता है, व्हाट्सएप फेसबुक का एंड हो सकता है। तो इसी के वजह से लोग यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, टेलीग्राम में हो गया, सिग्नल एक काम हो गया। सिग्नल के ऊपर एक मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि सिग्नल एक्चुअल में है क्या फ्रेंड्स। तो अभी मैं सिग्नल का एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि सिग्नल का क्या चीज़ एकदम बड़ा ही हो गया। एलन मस्क जो कि अभी टॉप पर है, टॉप रिचेस्ट पर्सन में से है, 1 पे हो अभी, तो उसने क्या एक ट्वीट किया था खाली यूज़ सिग्नल। तो यूज़ सिग्नल के वजह से उसकी जो स्टॉक, जो कि सिग्नल एक कंपनी US बेस्ड कंपनी है, तो उसके जो स्टॉक्स है 11,000% इंक्रीज़ हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एक स्टॉक का इंक्रीज़ होने के लिए। तो अभी हम बता नहीं सकते, रिलेट नहीं कर सकते उसको, या तो पहले से मालूम पड़ गया था या उसने जानबूझ के ऐसा चीज़ बताया जो उसको पहले मालूम पड़ के उसने बताया व्हाट्सएप के रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू फेसबुक जो वो तो बोलता है कि कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं होगा तो आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो,
बट आई डोंट थिंक सो। अभी जितना भी चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आप ये सब चीज़ों के बारे में देखिए और आपको क्या लगता है उसी हिसाब से आप अपने डिसाइड कीजिए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।